नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, यहाँ पे डीएलएड के एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर जो बड़ा जो अपडेट आ रहा है कि यहाँ पे एनआईओएस की तरफ से जो पूरी तरह से यहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया हर एक चीज़ जो है, कि यहाँ पे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको पेमेंट करना है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो यही यहाँ पे आज जो है अपडेट किया गया, कुछ देर पहले ये अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे कि आप किस तरह से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे अपडेट किया गया है। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप पर जो से शेयर भी करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यहाँ पे क्या जो है अपडेट किया गया एनआईएस की तरफ से। जैसा कि दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि डीएलएड के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको डीएलएड की वेबसाइट पर जाना है। और दोस्तों, यहाँ पे नीचे जाना है, नीचे जो एक लिंक बनाया गया है जहाँ पे कि लिखा गया है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डीएलएड एग्जामिनेशन फी फॉर कोर्स 501, कोर्स 502 एंड कोर्स 503। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके पास इस टाइप का यहाँ पे विंडो खुला हुआ आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए आपको हर एक चीज़ जो है बदला हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे पहले जो है सिर्फ यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर भरने के लिए आता था और यहाँ पे नोट लिखा हुआ कुछ आता था, लेकिन यहाँ पे देखें तो नीचे देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। अगर आपका पेमेंट नहीं हो पाता है तो आपको आगे क्या करना है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि किस तरह से आप यहाँ पे अपने रिसिप्ट को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे ऊपर में पहले आपको एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालना होता था। और यहाँ पे देखें तो यहाँ देखिए नोट करके यहाँ पे लिखा गया है, द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द कोर्स 501, कोर्स 502 एंड कोर्स 503 इज एक्सेप्टेड टिल 6 मार्च 2018 विदाउट लेट फी, दैट इज 250 रुपीज़ फॉर ईच कोर्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी यहाँ पे जो 501, 502, 503 जो है पर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे 250 रुपये यहाँ पे करने होंगे, जिसका कि लास्ट डेट है 6 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। और नीचे देखें यहाँ पे लिखा गया है, प्रोसेस फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी काइंडली रीड बिफोर द सबमिटिंग एंड मेकिंग द पेमेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले या फिर पेमेंट करने से पहले नीचे जो भी इसका यहाँ पे प्रोसेस लिखा गया है, जो भी यहाँ पे स्टेप यहाँ पे लिखा गया है, उसको पहले आप पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म को भरें या फिर उसके बाद ही आप यहाँ पे पेमेंट को करें। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या जो यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। अगर यहाँ पे फर्स्ट में देखें तो लिखा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोवाइड द इनरोलमेंट नंबर ऑफ डीएलएड। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना है। अगर आपको आपका इनरोलमेंट नंबर पता नहीं है तो आपको डीएलएड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे टीचर सेक्शन में जाना है और वहाँ पे जो भी आपका लॉगिन पेज आता है तो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो भी आपका आई कार्ड आया था तो आई कार्ड को डाउनलोड करना है। आई कार्ड में भी वहाँ पे आपका लिखा गया है जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है, तो वो आई कार्ड पे वहाँ लिखा गया है, तो वहाँ पे आप देख के, तो सबसे पहले जो आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। और सेकंड में देखें यहाँ लिखा गया, आफ्टर पुटिंग द इनरोलमेंट क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू मूव फर्दर। तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर जो भी आगे पेज आएगा तो उस पर आपको जाना है। और फिर आगे लिखा है, आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द मीडियम। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि कल एक यहाँ पे अपडेट किया गया था कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको किस तरह से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसके बाद देखिए आपके पास इस टाइप का यहाँ पे पेज आएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट मीडियम। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी रीजनल लैंग्वेज है, हर एक जगह का जो भी लैंग्वेज है, जितने लैंग्वेज में यहाँ स्टडी मटेरियल डाला गया है, तो सभी लैंग्वेज का यहाँ पे नाम आता है। अगर यहाँ पे लैंग्वेज देखें तो यहाँ पे हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, बंगाली आएगा, गुजराती आएगा, फिर कन्नड़ आएगा, उड़िया आएगा, पंजाबी आएगा, तेलुगू आएगा, तमिल आएगा और मराठी आएगा। तो इतने सारे लैंग्वेज में आप यहाँ पे एग्जाम को दे सकते हैं और इतने सारे लैंग्वेज में जो है यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल है, इसका प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, वो भी वहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे जो भी आप मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। और आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। और आगे देखें तो लिखा गया, आफ्टर दैट इफ़ योर परसेंटेज इन 12th फॉर जनरल कैटेगरीज टीचर इज लेस देन 50%, फॉर द अदर कैटेगरीज इज लेस देन 45%, देन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप जो जनरल कैटेगरीज के टीचर हैं, अगर आपका परसेंटेज जो है 12th में जो है वो 50% से कम है, या फिर अगर आप अदर कैटेगरीज से हैं लेकिन आपका परसेंटेज जो है 45% से यहाँ पे कम है 12th में, तो आगे लिखा है, देन इफ़ यू हैव टू टेक एन एडमिशन इन एनआईओएस सेलेक्ट यस एल्स नो। अगर आप यहाँ पे एनआईओएस में जो है 12th के परसेंटेज इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरीज के टीचर हैं लेकिन आपका 12th में जो परसेंटेज है आपका 50% से कम है, तो आप यहाँ पे जो है जो भी 12th इंप्रूवमेंट का फॉर्म आता है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आप अदर कैटेगरीज के टीचर हैं, अगर आपका 45% से कम है, तो आप यहाँ पे जो भी 12th इंप्रूवमेंट का फॉर्म आता है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करना है, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर सकते हैं। और आगे लिखा है, इफ़ यू हैव टेकन एडमिशन इन एनआईओएस इन क्लास 12th देन प्रोवाइड द रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर। यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे जो है एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो है रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। इफ़ यू हैव गोट द सेम, अगर आपको यहाँ पे सेम मिलता है तो ऑफ द क्लास 12th एडमिशन।
डू नॉट मेंटेन द रिफ्रेंस नंबर ऑफ द डीएलएड एडमिशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डीएलएड के एडमिशन के टाइम में जो भी आपको रिफ्रेंस नंबर दिया गया था वो आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। और आगे लिखा है आफ्टर द क्लिक ऑन द सबमिटिंग बटन यू विल बी डायरेक्टेड टू द मेक द ऑनलाइन पेमेंट। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे पेमेंट वाले पेज पे आपको यहाँ पे लेते जाएगा। तो उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे पेमेंट आएगा। और यहाँ पे अगर जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पेमेंट अगर आपने यहाँ पे अभी तक नहीं किया है तो यहाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट नोट मेड। अगर आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे लिखाएगा पेमेंट सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ अभी लिखा हुआ आ रहा है कि पेमेंट नोट मेड, तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक यहाँ पेमेंट नहीं किया है। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। आगे लिखा है इफ पेमेंट इज सक्सेसफुली देन यू विल गेट द मैसेज। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली होता है तो आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो मैसेज में लिखा हुआ रहेगा कि पेमेंट इज सक्सेसफुल। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर आपके पास मैसेज आता है या फिर स्क्रीन पे आपको ये लिखा हुआ दिखता है कि पेमेंट इज सक्सेसफुल, तो इसका मतलब है कि आपका पैसा जो NIOS तक पहुंच गया है। तो आपको वहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। और आगे लिखा है इफ़ यू वांट यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ द सेम। यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं उसका प्रिंट आउट निकलवाना तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो वही जो है आपका रिसिप्ट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आपने 15 तारीख को ही पेमेंट किया था या फिर 16 तारीख को ही पेमेंट किया था लेकिन आपके पास जो यहाँ पे इस तरह का कुछ मैसेज आ रहा है कि पेमेंट इज सक्सेसफुली, तो इसका मतलब है कि आपका जो पेमेंट हुआ है वो सक्सेसफुल हो गया है, वो NIOS तक पैसा पहुँच गया। अगर आपको रिसिप्ट नहीं भी मिला है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक रिसिप्ट भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है अब आप पेमेंट कर सकते हैं, तो पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आगे देखें तो यहाँ लिखा गया है एट एनी टाइम इफ़ यू वांट टू सी द स्टेटस वेदर द पेमेंट इज मेड और नोट देन यू जस्ट प्रोवाइड द इनरोलमेंट नंबर एंड द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन विल बी विजिबल ऑन द स्क्रीन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि आपका पेमेंट जो सक्सेसफुली हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे स्टेटस में जाएं और स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए अगर आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है तो आपके पास देखिए इस टाइप का यहाँ पे स्टेटस में लिखा हुआ आएगा पेमेंट कंप्लीटेड, तो इस तरह का यहाँ लिखा हुआ आएगा आपके पास। लेकिन अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आपके पास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पेमेंट नोट मेड। तो यहाँ पे ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो है पेमेंट सक्सेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो जिन्होंने कि 15 तारीख को पेमेंट किया था या फिर 16 तारीख को पेमेंट किया था तो वो भी आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ पेमेंट स्टेटस में यहाँ क्या दिखा रहा है, वहाँ पे पेमेंट कंप्लीटेड दिखा रहा है या फिर जो है यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट नोट मेड। और आगे देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट करके लिखा गया है इफ़ द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द अकाउंट एंड द स्टेटस हैज नॉट चेंज्ड फ्रॉम द पेमेंट नोट मेड टू द पेमेंट कंप्लीटेड काइंडली डू नॉट मेक द अनदर पेमेंट बट जस्ट वेट फॉर द 48 आवर्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपका पेमेंट जो है आपका पैसा जो है आपका ATM कार्ड या फिर जो भी डेबिट कार्ड से या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड से कट जाता है लेकिन आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पे जब आप जाते हैं लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हैं अपने स्टेटस में तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है पेमेंट नोट मेड, तो आपको यहाँ पे जो फिर से पेमेंट नहीं करना है, आपको जो 48 घंटे तक यहाँ पे वेट करना है और 48 घंटे तक आप वेट करके यहाँ पे चेक करते रहें कि आपका यहाँ पे कुछ भी अपडेट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। इफ़ द पेमेंट विल बी अपडेटेड एंड यू कैन चेक द स्टेटस बाय प्रोवाइडिंग द इनरोलमेंट नंबर, तो वही सेम चीज़ लिखा गया है कि आप यहाँ पे चेक करते रहें कि आपका पेमेंट हुआ है तो यहाँ पे स्टेटस में कुछ चेंजिंग आया है या फिर नहीं आया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे कभी कभी वैसा होता है कि आपका पेमेंट कट जाता है लेकिन वो NIOS तक नहीं पहुँचा, अगर वो बैंक के पास रह गया तो आपको 2 से 3 दिन में जो है बैंक के द्वारा रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो NIOS तक पहुँचता है तो आपको यहाँ पे जो 48 घंटे में जो है यहाँ पे आपको अपडेट दिख जाएगा। तो अपडेट में आपके पास देखिए ये लिखा हुआ आएगा कि पेमेंट कंप्लीटेड। अगर आपके पास ये लिखा हुआ आता है कि पेमेंट नोट मेड 48 घंटा के बाद, तो इसका मतलब है कि NIOS तक जो पैसा नहीं पहुंचा वो बैंक के पास रह गया है, तो बैंक आपको जो है 2 से 3 दिन में यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे आपको जो फॉर्म भरना है, कैसे जो है आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में जो है NIOS के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। तो अब आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको यहाँ पे पहले बोला था कि फॉर्म जो है अभी मत भरिए, फॉर्म जो है 2-3 दिन के बाद भरिए, लेकिन अब यहाँ पे आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट को जो अच्छे तरीके से अपडेट कर दिया गया है, हर एक चीज़ यहाँ पे जो है जैसा कि होना चाहिए वैसा यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो अब यहाँ पे पेमेंट कीजिए, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ जो है देखने के लिए मिल जाएगा, आपको मैसेज भी यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं हुआ वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात कि जो भी गेस्ट टीचर है या फिर जो भी प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं लेकिन उसके स्कूल का अभी तक जो मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो यहाँ पे वेट कर लें, वे अभी फॉर्म को नहीं भरें। यहाँ पे आप जो 8 से 10 दिन कम से कम वेट कर लें, उसके बाद भी यहाँ अगर देखें तो फॉर्म का डेट यहाँ पे रहता है क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है बिना लेट फाइन का वो 6 तारीख तक है। तो आप अभी वेट कर लें
उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे कोई अपडेट आता है या नहीं आता है, तो उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म को भरें। दोस्तों यही था आज का बड़ा अपडेट जो डीएलएड को लेकर, और दोस्तों आगे जो भी अपडेट आता है आपको इसी तरह से यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दीजिएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो साथ बढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप पर जो शेयर भी करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।